हेलो वेलकम एंड ऑल, मेहमान आप सभी का वेलकम करता हूँ BCN न्यूज़ में। और आज मेरे साथ है ना टैलेंट फैक्ट्री के कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं और ऐसे सपोर्टर्स हैं जिनका भी आज इंडिया में सबसे बड़ा शो होने जा रहा है मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर, जहाँ बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है, उसके बहुत सारे एपिसोड बनने वाले हैं जिसमें परेश जो हमारा साथ में सब कुछ करने वाला है और इन BCN न्यूज़ और नागपुर मेट्रो समाचार मीडिया पार्टनर है। लेकिन इन सबको पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि आज इनसे देखा जाएगा कि जितने ये लोगों को सुंदर बनाते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं, गॉर्जियस बनाते हैं, क्या इनके पास दिमाग है। एक्सप्रेशन देखिए, इन महिलाओं के एक्सप्रेशन देखिए, ये फेमिनिज्म के नाम पर मेरे को यही मार सकते हैं अभी। ब्रेन विद ब्यूटी, चलो ठीक है, आज इनके दिमाग की परीक्षा ली जाएगी। वैसे 7 जन्मों की परीक्षा तो इन्होंने दे चुकी है ऐसा लग रहा है। सवाल ये है, जिसको आता है वो सिर्फ हाथ खड़े करेगा, ठीक है, जवाब नहीं देगा, जो जवाब देगा उसको पाप लगेगा। जब तक मैं नहीं कहूंगा, ठीक है, 100 में से 10 कितने बार निकाल सकते हैं? 10 कोई जवाब नहीं देगा पहले। हाँ जी, 10 बार, ठीक है, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। बहुत ही गलत आंसर था। इतना गलत आंसर, अच्छा एक आपका 9 बार, इनके लिए जोरदार ताली बजीजिए, ये भी बहुत गलत था। अच्छा और किसको आता है 100 में से 10? मैम आप आइए, श्री मैम आपके पास भी आ रहा हूँ। 100 में से 10 कितने बार? एक ही बार। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। आगे 100 में से 10 एक ही बार निकाला जा सकता है, उसके बाद 90 में से निकालना पड़ता है। मैम आपका नाम? मीनाक्षी कुमार। मीनाक्षी जी के लिए जोरदार तालियां। अच्छा इनके ऊपर कैमरा कीजिए, इन्होंने कहा था कि 9 बार निकाल सकते हैं। मैम आप कहाँ तक पढ़े? क्योंकि क्या होता है आजकल ऑफर बहुत रहते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता एक बार निकालना, बार बार। मैं बता रहा हूँ, बहुत पैसे कमा रही है। अच्छा और एक सवाल ये, अच्छा 10th पास कौन कौन है? हाथ ऊपर कर दे, 10th पास कौन? सब 10th के ऊपर। मैम आप 10th पास नहीं हो? अच्छा 10th पास कौन कौन है? सभी है। अरे हाथ ऊपर करके दिखाओ भैया, ठीक है। अब ये बताओ, छोटी ABCD बड़ी ABCD से कितनी छोटी है? हाँ ये बताओ, बचपन में पढ़ी नहीं क्या? मैं बता रहा हूँ अभी, छोटी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, नहीं आप कैप्चर मत कीजिए। मुझे इतना अच्छा लग रहा ना, मुझे थोड़ी देर पहले इन लोगों ने कहा था कि ब्यूटी विद ब्रेन, और देखिए इनके चेहरे, इनके ब्रेन कहाँ है? अरे ये कि ब्रेन तो नहीं पड़ा है, लेकिन नहीं आज छोड़, घर में छोड़ के आगे, कोई बात नहीं मैम। अच्छा कोई बताएगा, छोटी स्मॉल ABCD स्मॉल ही होती है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए, बहुत गंदा आंसर था। छी, ऐसा आंसर सुनने से पहले मैं बहरा ही नहीं हो गया। कोई और? नहीं, अच्छा ठीक है, दूसरा मैं जवाब दूंगा। अच्छा देखो, मैं आंसर देने को तैयार हूँ। देखिए, छोटी ABCD हम 2 लाइंस में लिखते हैं, बड़ी ABCD हम 4 लाइंस में लिखते हैं, तो छोटी ABCD 2 लाइंस बड़ी है भैया। तालियां दिखाओ भैया, मैं एक बार फिर से बजाइए तालियां, दिखना चाहिए, तालियां बजिए। नर्सरी फिर से ज्वाइन करनी पड़ेगी। मेरे चैनल में कोई स्कूल की एडवर्टाइजमेंट चल रही होंगी तो इनको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैम आपका नाम? अर्चना राठौर। अर्चना मैम से कांटेक्ट कीजिए स्कूल वाले, इनको नर्सरी में एडमिशन चाहिए। अच्छा ऐसा कौन सा गाना है इस धरती पर कोई ना कोई गा ही रहा है, ऐसा कभी कोई दिन नहीं जाता कि वो गाना गाया नहीं जाता है, जिसको आता है हाथ, बहुत इजी है, जिसको आता है हाथ ऊपर करो। बड़ा मेकअप कर रहे थे, बहुत पैसे कमाए, अब सब निकाल लेंगे हम। मैम आप बहुत देर से फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी, आप कैमरामैन का वीडियो ले रहे हैं? नहीं सर, मैं एंकरिंग कर रहा हूँ। आप ही का ले रहे थे? इनको पेमेंट मिल गया, मेरे को पेमेंट भी नहीं मिली अब तक। जी जी मैम, आंसर कौन सा है यार? ऐसा कौन सा गाना है जो रोज बज रहा है? रोज बज रहा है, कोई ना कोई एक व्यक्ति तो जरूर गाता है। कचरा वाला आए देखो कचरा उठा। ये गाना जब भी मेरे घर के बाहर बजता है तो पता नहीं क्यों मेरे मम्मी पापा मुझे घूर कर देखते हैं, फिर एहसास होता है कि मैं कचरा हूँ। फिर मैं दूसरे वाले रूम में जाकर चुप जाता हूँ। लेकिन ये आंसर गलत है। यहाँ से कोई यार एक गाना जो पूरी दुनिया में गाते हैं, आंसर आप सेंटर में आइए। मैम ये सिर्फ हिंदुस्तान में होता है, ये सिर्फ हिंदुस्तान में होता है, पूरी सृष्टि में। हाँ कोई ना कोई इंडिया नहीं। मैम मैं बता रहा हूँ, गाना है आंसर दे रहा हूँ। देखो उसके बाद ये मतलब, इतना इजी था,
ये मत करना ठीक है। आंसर है, अच्छा मैम आप बात कर लो, हम तो खड़ी है। आंसर है हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। यार इतना इजी था। अच्छा ठीक है, अभी और एक सवाल लास्ट है, और जो जवाब देगा उसको परेश की तरफ से मिलेंगे 11 लाख रुपए। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ भैया, मजाक कर। अच्छा अगर अगर आंसर आता है तो हाथ ऊपर करना ठीक है। अफ्रीका में बच्चा पैदा हुआ तो उसके दांत कौन से रंग के होंगे? अफ्रीका में बच्चा पैदा, नो कलर्स। हाँ। क्यों भाई? रहेंगे ही नहीं दांत, रहेंगे क्या बात है, जोरदार ताली बजनी से। पहला आंसर सही दिए। हाँ बिल्कुल सही। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इनको परेश की तरफ से 11 रुपए का इनाम दिया जाता है। देखो 11 लाख अगर उसके पास, परेश के पास होते तो मेरे ख्याल से 2 लाख मैं लेके बैठ गया होता। एक बार आप सभी के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। जाते थे और एक सवाल, खाली पेट, जिसको आता है हाथ खड़े, खाली पेट कितने रसगुल्ले खा सकता है एक इंसान? खाली पेट कितने रसगुल्ले खा सकता है एक इंसान? क्योंकि मेरे फेवरेट है ये, बहुत खा सकती है, खा सकती हूँ क्योंकि दोबारा तो एक प्लेट एक रसगुल्ला मेरे। क्या बात है, जोरदार ताली बजनी चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। आइए आप और आप आगे आइए, ब्यूटी विद ब्रेन, इन्होंने ब्रेन घर पर रख के आए थे। एक बार इन सब के लिए जोरदार ताली बजना चाहिए और इनके लिए ज्यादा। और मैं मान यहां से तो अलविदा, मिलूंगा अगले एपिसोड में ऐसे ही 5-6 सवालों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, पूरी टीम एक साथ आ जाइए। और एक बार बीसीएन को बोल दीजिए सच दिखाए बिना छुपाए, मिलके सर प्रमोशन भी कर दिया, ब्रांडिंग भी कर दिया, अब तो सैलरी दे दो।